नमस्कार, एनबीसी न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। नागपुर जिले में बीते कई घंटों से लगातार बारिश चल रही है, जिसके वजह से नागपुर जिले के नदी नाले उफान पर है और उसी के चलते कन्हान नदी जो है वो भी उफान पर है और आसपास के परिसर में पानी घुसने से काफी लोगों को समस्याओं का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कन्हान से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि उस परिसर का जायजा लेते हैं, किस तरह की परिस्थिति वहां बनी हुई, क्या बताओगे? वर्तमान समय में पिछले 48 घंटे से हो रही जो सतत बारिश हो रही है, उसकी वजह से 1874 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ब्रिटिश पुल, जिसको कन्हान नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और साथ में पिपरी काली मंदिर परिसर, सत्रापुर सहित इंदर कॉलोनी नंबर 6-4 इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है, जिसमें लोगों का जो है जनजीवन पूरी तरह से चौपट जैसे हो चुकी है और उनको जो है वर्तमान में ले जा करके अभी राहत कैंप और सरकारी जो जिला परिषद के स्कूल है वहां पर उनको अभी रखा जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके द्वारा अभी कुछ समय के बाद में पेच डैम के और भी दरवाजे खोले जाने वाले हैं और भी पानी छोड़ा जाने वाला है। कौन से गांव जो है क्षतिग्रस्त हुए? कन्हान नगर परिषद का रहने वाला पिपरी गांव है, सत्रापुर है, इंदर कॉलोनी नंबर 6 है, नंबर 5 है और नेहरू हॉस्पिटल के पीछे का जो पट्टा है, इस क्षेत्र में पूरी तरह से पानी घुस चुका है, यहाँ से आवागमन लगभग बंद हो चुका है। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें स्कूल में रखा गया है, तो कोरोना के चलते किस तरह की वहाँ पे एहतियात बरती जा रही है? अभी मैडम जिनको स्कूलों में रखा गया है अभी उनके एहतियात के तौर पर उनके कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ राम भरोसे वाला उनका काम चालू है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर अचानक में आई जो आफत है इसको लेकर के प्रशासन भी अपने आप को सोच रहा कि मैंने क्या करना है। 150 साल पुराना ये जो मीडिया बताया जा रहा है, इसके हालात खराब है, इसे भी मतलब ये भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो इसके उपाय की जा रही है तरह से बारिश का पानी जो नहीं, बात सही है। इसके पहले रायगढ़ जिले के सावित्री नदी में जो पूरा बाढ़ आया था और जिसमें कि एक बस सहित कई लोग जो है घायल, मतलब मौत के ग्रास बन गए थे और कुछ लोग उसमें घायल हो गए थे, सेम कंडीशन यहां पर हो चुकी है। 150 साल पुराना पुल है, नए पुल को लेकर के ऑस्कर फर्नांडिस और मुकुल वासनिक के द्वारा भूमि पूजन किया गया, परंतु 6 साल हो चुके हैं उस पुल का, अभी भी आधा अधूरा काम बचा हुआ है, जिसमें कि ये 150 साल पुराना पुल किसी भी दिन प्रशासन को धोखा दे सकता है। जिस तरह से कन्हान नदी उफान पर है तो और भी गांव को या फिर जिस गांव में पानी घुसा है बाढ़ का, तो जान की कुछ मतलब जान माल का कुछ वहां नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें जनहानि तो नहीं हुई है, परंतु लोगों ने जो नदी के किनारे जो झोपड़ियां बना करके रखे हुए थे उनकी झोपड़ियां डैमेज हो चुकी हैं, कुछ लोग के मकान जो है जो झोपड़े टाइप से वो बन चुके हैं और उनको लेकर के पिपरी के जिला परिषद स्कूल में उनको अस्थायी निवास दिया गया है। फिलहाल नदी का जो पात्र है मतलब नदी है उसमें कितना पानी है, क्या बताओगे मतलब किस तरह का आने वाले दिनों में कन्हान नदी का जो पुल है उसमें वर्तमान समय में कन्हान नदी में 4 पुल हैं जो कन्हान नदी से होकर के गुजरते हैं, जिसमें कि जो रोड हाईवे वाला जो पुल है तो उसमें आधे से ज्यादा भाग नदी ने अपने चपेट में ले लिया है। आने वाले दिनों को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां कर रहा है? प्रशासन के पास में फिलहाल में अभी कोई उपाय योजना नहीं है, उनके द्वारा बस यही है कि किसी तरह से पानी खाली हो, उसके बाद में उनके द्वारा कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया की जाएगी। पानी खाली करने के लिए प्रशासन क्या तैयारियां या क्या उपाय योजना कर रही है? कुछ रेस्क्यू टीम वहां बुलाई गई है? जी नहीं, अभी कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई मैडम। तो प्रशासन की ओर से मतलब पानी का जो है उसको ये करने की, पानी को खाली करने के लिए क्या किया जा रहा है, अभी क्या कर रही है प्रशासन द्वारा, कुछ कदम वहां उठाए गए होंगे? नहीं मैडम, जब तक इसमें अभी पेच डैम से जो और पानी खोला जाने वाला है उस पानी का
लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही जो है गांव के और बस्ती के भीतर में पानी घुसना, जब तक कन्हान नदी का पानी नहीं कम होता तब तक उस पानी जो गांव के अंदर पानी घुसा उसके कम होने की फिलहाल में कोई संभावना नहीं है। और वातावरण किस तरह से बना हुआ है, बारिश फिलहाल भी वहां चल रही है या बारिश रुक गई है? नहीं, अभी वातावरण साफ हो चुका है, सूर्यदेव बाहर आ चुके हैं। और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, मतलब ये जो लोगों को वहां रखा गया है, स्कूलों में रखा गया है, किस तरह से उनका प्रबंध किया गया है शासन की ओर से, और कौन से गांव प्रभावित हो चुके हैं? फिलहाल में कन्हान नदी से लग करके जो सबसे बड़ा गांव है कन्हान नगर परिषद है, जहां पर 100 करुणा अष्टनकर नगर अध्यक्ष के रूप में जो है उनके द्वारा जो है और उनकी बॉडी के द्वारा जो जिला परिषद स्कूल में जिन लोगों को रखा गया है उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, बशर्ते टेकाड़ी और कांद्री ग्राम पंचायत आज के द्वारा फिलहाल में कोई अपग्रेड नहीं है। कोरोना की जो स्थिति है उसे, कोरोना संक्रमण होने की भी वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से एहतियात बरती जा रही है या कुछ कदम उस तरह से उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? कोरोना को लेकर के मैडम कन्हान और कांद्री क्षेत्र में 2 राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कि मरीजों को एडमिट किया गया है। एक है राजीव मुखबधिर विद्यालय, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। इन 2 क्षेत्रों में लोग है उन्हें जहां पे रखा गया है, जो स्कूल में रखा गया है वहां कुछ इस तरह की एहतियात बरती जा रही है? ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर अभी सिर्फ ये है कि किसी तरह से जनहानि ना होने पाए जिसकी वजह से उनको ला करके स्कूलों में रोका जा रहा है। धन्यवाद सौमित्र जी दी हुई जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए और पल पल की खबर हमें देते रहिए।